सो हेलो एंड वेलकम टू अनुजकर कोचिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. आज जिस शब्द के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है सेक्युलरिज्म. इसका मतलब हिंदी में धर्मनिरपेक्षता होता है. और सेक्युलरिज्म और बेसिकली रिलीजियस स्टेट में, सेक्युलरिज्म और एक रिलीजियस स्टेट में क्या अंतर होता है इसको हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य और एक धार्मिक राज्य में क्या अंतर होता है. और मैं आपको बता देता हूं 2018 का यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम था अभी जो हुआ है उसमें इतिहास के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है. मतलब भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है. अब यह हम अपने पॉलिटिकल सेशंस में कवर कर चुके हैं, यह क्वेश्चन उसी में से आया. आज मैं आपको सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता बनाम धार्मिक राज्य ये तो समझाऊंगा ही सही, और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है ये भी बताऊंगा. और ये जो अंतर है सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजियस स्टेट, ऐसे ही कई सारे लेक्चर्स आने वाले समय में आपको कंडक्ट कराए जाएंगे. जैसे कि दो चीजों के बीच में, दो शब्दों के बीच में जो अंतर होता है इससे संबंधित लेक्चर्स आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे. सांप्रदायवाद मतलब कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायवाद में क्या अंतर है, साम्यवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में क्या अंतर है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर है, समाजवाद और पूंजीवाद में क्या अंतर है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर है, मतलब जो आपका साम्यवाद है और समाजवाद है इनमें क्या अंतर है. तो एक सीरीज हम चला रहे हैं जिसका नाम है क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन. इन कुछ शब्दों के बीच के अंतर आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे. कुल मिला के 5 टॉपिक्स तो डिस्कस होंगे. जैसे कि अगला लेक्चर जो आएगा वो आएगा सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, मतलब क्या है समाजवाद बनाम साम्यवाद. इस टॉपिक पे आते हैं सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म शब्द की उत्पत्ति 1850s में मानी जाती है. 1851 में इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य. और आपको यह भी पता होगा कि जब भी आप सेक्युलर शब्द का नाम सुनते हो आपको याद आता होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976. भारत में सेक्युलरिज्म शब्द को, सेक्युलर शब्द को, धर्मनिरपेक्ष राज्य के शब्द को भारत के संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया. और भारत एक सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूरी तरीके से 5 शब्द 1976 में बना. हालांकि सेक्युलरिज्म शब्द भारत में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, लेकिन जिस दिन भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1950 और जिस दिन से यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 से यह बनके तैयार हुआ, 1950 में लागू हुआ, भारत के उस समय के मौजूद संविधान में भी कई सारे ऐसे प्रावधान थे, कई सारे ऐसे आर्टिकल थे जो भारत के संविधान को, सेक्युलर चरित्र को बढ़ावा देते हैं. और उसमें से कुछ आर्टिकल आपके सामने है. यह समझना जरूरी है कि भारत में हालांकि 1976 में सेक्युलर शब्द को प्रीएम्बल में ऑफिशियली रूप से जोड़ा गया, लेकिन भारत में सेक्युलरिज्म शब्द शुरुआत से संविधान के बनने के साथ ही विद्यमान था. आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति के साथ, भले वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा. धर्म की स्वतंत्रता की यहां पे बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहां पे बात की गई है. तो भारत के संविधान में 1976 में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, लेकिन जो सेक्युलरिज्म की मूलभूत भावना थी, जो सेक्युलरिज्म का बेसिक आधार था, वो तो संविधान के निर्माण होने से ही भारत में मौजूद था. सेक्युलर चरित्र भारत के संविधान में निहित था. तो ये आपको याद होना चाहिए कि पहला बुलेट पॉइंट आपका ये हो गया, द सेक्युलरिज्म वर्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन द 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म वॉज अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस द इंसेप्शन. जब से भारत का संविधान आया तब से लेके विद्यमान थे. अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. ये बहुत बड़ा पॉइंट क्यों है, लेक्चर जैसे जैसे प्रोसीड होगा आपको समझ में आएगा.
सेक्युलरिज्म शब्द का मतलब क्या होता है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है। बेसिकली यदि सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जहां पे रिलीजन और पॉलिटिक्स ने खुद को आपस में कट कर रखा हो, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या ऐसा राज्य जहां पे राज्य का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। जैसे कि भारत ना तो एक हिंदू राष्ट्र है, ना मुस्लिम राष्ट्र है, ना क्रिश्चियन राष्ट्र है, ना ईसाई राष्ट्र है, कम से कम संविधान तो यही कहता है, इंडिया इज नॉट ए हिंदू कंट्री, इंडिया इज नॉट ए मुस्लिम कंट्री, इंडिया इज इंडिया, इंडिया ऑफिशियली हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। भारत का आधारिक तौर पे कोई भी रिलीजन खुद का नहीं है। यदि भारत के साथ किसी रिलीजन का नाम आपने जोड़ दिया, इंडिया के साथ रिलीजन आपने जोड़ दिया, कोई सा भी रिलीजन क्यों ना हो, जैसे आप भारत के साथ इंडिया के साथ किसी भी रिलीजन के नाम को जोड़ते हो, तब वो सेक्युलर चरित्र तो गायब ही हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही आपने किसी भी राज्य के साथ किसी धर्म का नाम जोड़ा तो फिर वो सेक्युलर स्टेट नहीं, वो कहलाता है रिलीजियस स्टेट। जैसे कि पाकिस्तान है, वो एक रिलीजियस स्टेट है, इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, सो पाकिस्तान इज नॉट ए सेक्युलर कंट्री, पाकिस्तान इज ए रिलीजियस स्टेट, पाकिस्तान का अपना एक धर्म है और उसी धर्म को स्टेट के नाम के साथ जोड़ा गया है। कई सारे ऐसे राज्य जो रिलीजियस स्टेट है, बट इंडिया इज नॉट ए रिलीजियस स्टेट, इंडिया हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। हालांकि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको कई सारे धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। भारत में बहुत सारे रिलीजन हैं, भारत का कोई रिलीजन नहीं है, यह शब्द बताता है सेक्युलरिज्म। लेकिन अब ये जितना सिंपल शब्द लग रहा है इससे अकेला काम होता तो फिर आज के सेशन का मतलब ही क्या था। आज के सेशन का मतलब तो ये है, जब हमको ये पता लगे कि भारत में कौन सी साइड ऑफ सेक्युलरिज्म चलता है, पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म या नेगेटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता का नकारात्मक रूप, या भारत में क्या सेक्युलरिज्म का मतलब स्टेट का एथिस्ट होना भी होता है क्या, मतलब क्या सेक्युलर होना मतलब राज्य, भारत एक राज्य के तौर पे नास्तिक होगा क्या, इसका मतलब यह होता है, या भारत एक नकारात्मक पक्ष को शो करता है सेक्युलरिज्म के, सकारात्मक पक्ष को शो करता है सेक्युलरिज्म के, भारत का कौन सा पक्ष है। यह आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है। अब देखिए प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं आजकल, उसने आपसे परीक्षा ने यह पूछ लिया परीक्षक ने कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या अंतर है। इसके पहले मैं आपको चार शब्दों के बारे में समझाना चाहूंगा, सेक्युलर स्टेट क्या होता है यह आपको पता चली गया, रिलीजियस स्टेट क्या होता है यह आपको पता चली गया, धार्मिक राज्य क्या होता है, दो और शब्द इससे जुड़े हुए हैं जिनको जानना जरूरी है, एंटी रिलीजियस स्टेट, एंटी रिलीजियस स्टेट होता है, और एक होता है थियोक्रेटिक स्टेट, धर्मतंत्र, थियोक्रेटिक स्टेट। सेक्युलर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसमें राज्य का कोई धर्म ना हो, अब राज्य का कोई भी धर्म ना हो लेकिन भारत में पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म चलता है उसको समझाऊंगा। तो सेक्युलर स्टेट बोलता है कि भैया राज्य के साथ आप किसी भी धर्म का नाम जोड़ के नहीं बोलोगे, सभी धर्मों की समान उन्नति। रिलीजियस स्टेट बोलता है कि भैया आप स्टेट के साथ किसी भी एक रिलीजन का नाम जोड़ सकते हो, और जब जब आपने किसी स्टेट के साथ रिलीजन का नाम जोड़ा तब वो सेक्युलर नहीं रहता, वो रिलीजियस स्टेट बन जाता है। एंटी रिलीजियस स्टेट ऐसा राज्य होता है जो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली रूप से खुद को वो तो ना बोले कि हमारा रिलीजन ये है, मतलब जैसे चाइना का एग्जांपल आपको दूं, चाइना का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो सेक्युलर स्टेट है, वो एंटी रिलीजियस स्टेट है, वो नागरिकों को भी ये बोलता है क्यों धर्म में पढ़ना, माओ ज़ेडोंग ने से तो बोला ही था द रिलीजन विल वर्क एज द ओपियम फॉर मासेस, धर्म जनता के लिए नागरिकों के लिए अफीम का काम करेगा। इसलिए जो अधिकतर साम्यवादी देश होते हैं, जो अधिकतर कम्युनिस्ट देश होते हैं, वो धर्म को उतना ज्यादा अपने राज्य में प्रोग्रेस या प्रोपेगेट करने की अनुमति नहीं देते, धर्म का बहिष्कार करने की कोशिश करते हैं वो, उनको अपन एंटी रिलीजियस स्टेट बोलते हैं। अधिकतर साम्यवादी देश आपको यही देखने को मिलेगा। थियोक्रेटिक स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, धर्मतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र का मतलब समझेंगे, आपको समझना है आपको। देखिए
ये जो धर्म तंत्र व्यवस्था है, ये जो थियोक्रेटिक स्टेट है, आपको पता होगा कि मिडाइवल हिस्ट्री में एक पीरियड आया था 1206 से लेके 1206 से लेके 1526 तक चला, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत काल। इस दिल्ली सल्तनत काल में कभी कभी तो जो राजा आया करते थे, जो बादशाह आया करते थे, उनके समय दिल्ली एक थियोक्रेटिक स्टेट रहा, और कभी कभी वो एक मिलिट्री स्टेट रहा, सैन्य राज्य रहा, और कभी कभी वो एक धर्मतंत्र रहा। धर्मतंत्र, आप ऐसे तंत्र को, ऐसे शासन व्यवस्था को बोलते हो जिसमें किसी भी देश का रिलीजियस हेड, जिसके पास रिलीजियस हेड, क्या होता है रिलीजियस हेड, जैसे आपने देखा होगा कि वेस्ट में जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके जो धार्मिक गुरु होते हैं, रिलीजियस हेड कौन होते हैं, पॉप होते हैं। आगे समझ में, तो राजनीतिक सॉरी धार्मिक हेड कौन हो गए इनके, पॉप हो गए। किसी देश में यदि रिलीजियस हेड को ही पॉलिटिकल हेड भी बता दिया जाए, बना दिया जाए, तो उसको बोलते हैं अपन धर्मतंत्र। जब किसी भी देश का धार्मिक प्रमुख ही उसका राजनीतिक प्रमुख हो और धर्म के हिसाब से शासन चले, रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ रिलीजन चले, आप तब ऐसी स्थिति में आप उसको क्या बोलते हो, धर्मतंत्र बोलते हो। जैसे कि आपने देखा होगा पहले एक ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था, तुर्की की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे खलीफा का पद हुआ करता था, और 1919 के समय में भारत में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ था, आप लोगों को पता होगा, और जो बाद में 1919 में शुरू हुआ था और 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो जो खलीफा का पद हुआ करता था तुर्की में, वो रिलीजियस हेड तो हुआ ही करते थे, मतलब वो राजनीतिक, वो धार्मिक प्रमुख तो हुआ ही करते थे, और साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर्स को भी संभालते थे। तो जब धर्म और राजनीति का मिश्रण हो जाए और धार्मिक हेड को ही पॉलिटिकल हेड मान लिया जाए, ऐसे स्टेट को अपन बोलते हैं थियोक्रेटिक स्टेट। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज करते हैं थियोक्रेटिक स्टेट और रिलीजियस स्टेट को। अरे भैया, पाकिस्तान एक रिलीजियस स्टेट है क्योंकि उसका खुद का ऑफिशियल उन्होंने रिलीजन बता रखा है, लेकिन पाकिस्तान थियोक्रेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे जो पॉलिटिकल हेड है वो तो प्रधानमंत्री है ना, कोई रिलीजियस फिगर थोड़ी ना है। तो आप ये अंतर याद रखना। लेकिन सेक्युलरिज्म में बेसिक कंसेप्ट यह है, रिलीजन को अलग रखा जाए पॉलिटिक्स से। और सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो ये है कि सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ समान प्रकार का व्यवहार हो। भारत में इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, धर्म के आधार, यदि आप बात करो आर्टिकल 15 की बात करो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा धर्म के आधार पर। आप आर्टिकल 25 देख लो, 26 देख लो, सभी को फ्रीडम प्राप्त है, फ्रीडम टू कंसाइंस प्रोपेगेट प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन। यदि आप बात करोगे भारत के जितने भी अनुच्छेद हैं, केवल प्रस्तावना में ही, संविधान में ही, प्रस्तावना में ही सेक्युलर शब्द को जोड़ के हमने भारत के सेक्युलर चरित्र को नहीं बताया, बल्कि मौलिक अधिकारों में भी हमने सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया है। तो भारत में लगभग ये कोशिश की गई है कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया गया है। तो भारत एक सेक्युलर स्टेट है। लेकिन ये जो सेक्युलर कंसेप्ट है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठ के खड़ा होता है वो ये होता है, पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म, नेगेटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म। ये दोनों समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में अंतर। समझते हैं इसको। और देखिए, इन सेशंस का मजा यही है कि आपको नॉलेज बहुत एंजॉय करने को मिलती है, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स इनसे प्राप्त होते हैं, और इतिहास में यदि आपको विशेष प्रेम है तो ऐसे कंसेप्ट आपको यहां से मिलेंगे जो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि अब कम्युनिस्ट स्टेट्स में रिलीजन को क्यों बाइफरकेट किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी देश का सेक्युलर चरित्र होना क्यों जरूरी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आपने किसी राज्य के साथ धर्म का नाम जोड़ दिया तो वो एक सेक्युलर स्टेट नहीं रहता, वो एक रिलीजियस स्टेट बन जाता है। समझ में आ रहा होगा, रिलीजियस स्टेट तो थियोक्रेटिक। तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब आप बिठा पाओगे तब आप आंसर्स अच्छे से लिख पाओगे, और आंसर्स क्वेश्चन किसी भी प्रकार के आ सकते हैं जब ये क्वेश्चन आया तो। इसलिए आपको ये मूल बातें पता होना जरूरी है। पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म, नेगेटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म में क्या अंतर होता है। दरअसल दोस्तों,
भारत में, भारत राज्य ने साम धर्म निरपेक्षता का जो रुख अपनाया है वो धर्म निरपेक्षता का सकारात्मक साइड है, ना कि नकारात्मक साइड है। अब नकारात्मक साइड का मतलब क्या होता है सेक्युलरिज्म की, नेगेटिव साइड का मतलब? देखिए, दो चीजें हो सकती हैं, या तो राज्य पूरी तरीके से धर्म को खुद से कट कर ले, या राज्य पूरी तरीके से धर्म से अपने आप को कट तो ना करे, किसी एक विशेष धर्म का प्रमोशन भी ना करे, बल्कि सभी धर्मों के परस्पर और बराबर उत्थान के लिए कार्य करे, तो उसे पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म बोलते हैं। क्या बोला मैंने? यदि राज्य धर्म से स्वयं को पूरी तरीके से बाइफरकट कर ले, कट कर ले, पृथक कर ले, तो वो नेगेटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म होता है, जो वेस्टर्न नेशंस में आपको देखने को मिलता है, दैट द स्टेट कंप्लीटली कट इटसेल्फ विद द रिलीजन। तो ये होता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। लेकिन अगर आप इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करोगे, इसको देखोगे, तो यहां पर राज्य पूरी तरह से धर्म को कट नहीं करता है अपने आप को, बल्कि, और ये किसी एक धर्म को भी प्रमोट नहीं करता है, नहीं करना चाहिए, किसी एक धर्म को भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, सभी धर्मों के आपस में परस्पर विकास या उत्थान के लिए यदि राज्य काम करे, उसको पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल इस बात पे 1992 के आसपास बहुत ज्यादा प्रश्न उठाए गए कि क्या, मैं आपको, हां 1992 ही है, कि क्या सेक्युलरिज्म शब्द का मतलब स्टेट का अथीस्ट होना होता है, मतलब क्या धर्म निरपेक्षता का मतलब राज्य का पूरी तरीके से नास्तिक होना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके बोला, क्योंकि भारत में भारत का पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म है, इसलिए राज्य का एथिस्ट होना जरूरी नहीं है। दरअसल ये पूरी बात का जो मैं आपको बोल रहा हूं, इसको यदि जटिल बात को मैं सरल शब्दों में समझाऊं, तो 1992 में जो पिटिशनर्स थे, याचिकाकर्ता थे, नास्तिकों का एक समूह था, उनका ऐसा बोलना था, सरकार द्वारा सरकारी भवनों का, जिनका नया निर्माण हुआ है, सरकारी जितने भी भवन हैं, जो कंस्ट्रक्शन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है, जिनका नव निर्माण हुआ है, जो बनके तैयार हुए हैं, उसमें धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करके रिबन काटना राज्य के सेकुलर चरित्र को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, 1992 में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने, जो कि नास्तिक थे, और नास्तिक होना भी भारत में आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। आपको पता होगा, एक तमिल आइकन थे के करुणानिधि, टीएम की पार्टी के, जिनकी अभी मृत्यु हुई है, वो नास्तिक थे, और आर्टिकल 25 के तहत फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में, अंतःकरण की स्वतंत्रता में, कोई व्यक्ति नास्तिक भी हो सकता है, ऐसा भी बोला गया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के इस पे निर्णय भी आ चुके, इनफैक्ट बहुत सारे निर्णय आए हैं। 2014 की मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा निर्णय आया था केरला हाई कोर्ट का, जिसमें लगभग 3,000 से 4,000 लोग, जो कि क्राइस्ट के अस्तित्व में तो विश्वास रखते थे, जीसस क्राइस्ट के अस्तित्व में तो विश्वास रखते थे, लेकिन वो क्रिश्चियन रिलीजन में फॉलो करने में विश्वास नहीं रखते। जीसस क्राइस्ट के अस्तित्व में विश्वास तो रखते थे, लेकिन वो नास्तिक थे, वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने में विश्वास नहीं रखते थे। अब राज्य ने, कभी भी कोई डॉक्यूमेंट होता है, आप कोई सरकारी फॉर्म भरते हो, तो वहां पे आपको अपना रिलीजन बताना होता है, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई रिलीजन नहीं है, हम किसी रिलीजन को नहीं मानते, हम जीसस क्राइस्ट में विश्वास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिश्चियन
धर्म का पालन करते हैं। इसमें स्टेट ने अपना जो कानून बताया उसमें कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो उन्होंने याचिकाएं लगाई हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि नास्तिक होना भी तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 25 में आता है, एंड द स्टेट हैज नो राइट टू आस्क टू अ सिटीजन व्हाट हिज रिलीजन इज, और राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति से वो पूछे कि उसका धर्म क्या है। आया समझ में? तो नास्तिक होना भी मौलिक अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में, मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता में। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता में यह प्रश्न जब उठा, इस प्रकार के प्रश्न जब उठे 1992 में, नास्तिकों के एक समूह ने बोला कि राज्य द्वारा जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, किसी भी नए भवन निर्माण जो होता है, सरकारी भवन जो निर्माण होता है, उस सरकारी भवन निर्माण में धार्मिक अनुष्ठानों को कराना राज्य के सेक्युलर चरित्र पर एक हानि है, यह बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1992 के ऐतिहासिक वर्डिक्ट में बोला कि राज्य द्वारा भारत के पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म दर्शाया जाता है, राज्य हालांकि खुद को रिलीजन से पूरी तरीके से बाइफरकेट तो नहीं कर रहा, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहा, बल्कि सभी धर्मों के समान विकास के लिए काम कर सकता है, पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म है, तो ये भारत के सेक्युलर चरित्र को हानि नहीं पहुंचा रहा, दैट इज वाई पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म आप ऐसा बोल सकते हो, भारत में ये प्रिंसिपल चलता है। वेस्ट में क्या होता है कि पूरी तरीके से कट कर लेता है, जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में राज्य टोटली बाइफरकेट इटसेल्फ विद द रिलीजन, कुछ कुछ ऐसे देश हैं, और इंडियन सेक्युलरिज्म में पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म है जहां पर राज्य का एथिस्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि थीज्म या एथिज्म मतलब किसी भी एक धर्म या भगवान में आस्था या ना होना आस्था, ये दोनों ही अधिकार प्राप्त हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करा है सेक्युलरिज्म के ऊपर, भारत में सकारात्मक पक्ष रहेगा। तो सकारात्मक पक्ष का क्या मतलब हुआ कि राज्य हालांकि स्वयं को धर्म से पूरी तरीके से कट तो नहीं कर रहा, बाइफरकेट तो नहीं कर रहा, ना ही किसी एक धर्म के प्रमोशन के लिए काम करेगा, बल्कि वो सभी धर्मों के समान विकास या उत्थान के लिए अपनी स्थापना मतलब चीजों की स्थापना कर सकता है और कार्य कर सकता है। ये होता है पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म। जब राज्य स्वयं को टोटली कट कर ले तो वो नेगेटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म होता है। भारत में 1976 में सेक्युलरिज्म शब्द आया ऑफिशियली, लेकिन ये जितने भी आर्टिकल हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मौलिक अधिकार हो, DPSP हो या मौलिक कर्तव्य हो, उनमें जो सेक्युलर चरित्र था उसकी मूलभूत भावना शुरू से ही विद्यमान थी। 1976 में आया लेकिन मूलभूत भावना बहुत पहले से थी। ये एक बुलेट पॉइंट आप याद रखना, सेक्युलर स्टेट, रिलीजियस स्टेट, एंटी रिलीजियस स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट, भारत में पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है वेरियस केस लॉस में। एक उसमें से आप याद रखना एथिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वाला केस जो था 1992 का, जिसमें यह बोला गया। एक और बहुत फेमस केस है SR बोमानी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्युलर शब्द जो है वो भारत की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है, प्रीएम्बल के ऊपर मैं एक लेक्चर ले चुका हूं, सबसे पहला लेक्चर था ये जिसमें मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब बता चुका हूं। अगर मैं कट टू शॉर्ट करूं 30-35 सेकंड में, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब होता है ऐसे मूलभूत चीजें जिसको कभी भी कोई भी सरकार चाहे भी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटा सकता। भारत सेक्युलर शब्द है, आपको पता है भारत में 368 आर्टिकल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि सेक्युलर शब्द को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हटा दे, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है, इसलिए सेक्युलर शब्द को नहीं हटाया जा सकता। और भारत में पॉजिटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म चलता है, ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से इसलिए अंतर है क्योंकि वहां पर नेगेटिव साइड ऑफ सेक्युलरिज्म चलता है। तो बेसिक यदि सेक्युलरिज्म से 5-6 मोटे मोटे पॉइंट निकालना चाहूं, ऑफिशियली सेक्युलर स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, आधिकारिक तौर पर सेक्युलर राज्य का खुद का कोई अपना धर्म ऑफिशियल रूप से नहीं होता कि वो खुद अपने नाम के साथ किसी धर्म के नाम को एसोसिएट करे, नहीं तो वो रिलीजियस स्टेट बन जाएगा।
In India, Supreme Court through various case laws has interpreted that India follows a positive side of secularism. सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केस लॉज के द्वारा ऐसा बताया है कि पॉजिटिव साइड ऑफ सेकुलरिज्म भारत में है, नेगेटिव साइड ऑफ सेकुलरिज्म नहीं है, जो कि एक वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म में अंतर है। ये इसका मोटा मोटी बात हो गई। सेकंड, थर्ड, पॉजिटिव साइड ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि राज्य पूरी तरीके से रिलीजन को खुद से कट नहीं करता, वो खुद का ऑफिशियल रिलीजन भी कोई नहीं मानता, स्टेट नहीं मानना चाहिए और ना ही उसको किसी रिलीजन के आधार पर भेदभाव करना चाहिए, बल्कि समान रूप से सभी धर्मों के उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए राज्य भूमिका अदा कर सकता है, भूमिका अदा कर सकता है, जरूरत पड़ने पर भूमिका अदा कर सकता है। ऐसा पॉजिटिव साइड ऑफ सेकुलरिज्म का कंसेप्ट होता है। और इन सभी में क्या डिफरेंस होता है, आप बेसिक डिफरेंस है याद रखना। तो 5-10 पॉइंट आप सेकुलरिज्म के बारे में लिखने की कोशिश करें। इस साल का जो क्वेश्चन आया था वो भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, 100-150 शब्द में लिखने की कोशिश करो, तब इन लेक्चर्स का फायदा होगा। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे इन लेक्चर्स का फायदा लेना है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में यह भी परमिट है इंडिया में कि कोई भी व्यक्ति एथिस्ट भी हो सकता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अभी हमने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स में कवर किया है, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 क्या बोलते हैं, है ना, उसमें हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ कंसेंस क्या होता है। काफ़ी सारे केस भी हमने डिस्कस करे थे, भले वो सबरीमाला टेंपल इश्यू हो या भले वो हाजी अली दरगाह केस हो, वुमेन एंट्री को लेके काफ़ी सारे केसेस को हमने डिस्कस किया। एक और मैंने आपको बताया था जो KM जोसेफ जोसफेल केस था, जिसमें 4000 लोगों का एक ग्रुप जो कि क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट में विश्वास रखता था, क्रिश्चियन पंथ को नहीं मानना चाहता था, तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने उसमें फैसला दिया कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो अपना रिलीजन डिस्क्लोज करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि वो चाहे अपना रिलीजन बोलना तो बोल सकता है, नहीं चाहता तो वो स्टेट उससे नहीं पूछ सकता है रिलीजन। एक और बात याद रखना, राइट टू बी एन एथीस्ट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अंतःकरण की स्वतंत्रता में नास्तिक होना भी एक मौलिक अधिकार है। तो ये बेसिक चीजें थी, इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। इस पूरी श्रृंखला की अगली सीरीज में आप इसी प्रकार के अंतर देखोगे, एक धार्मिक राज्य में क्या अंतर होता है, एक सांप्रदायिक राज्य में क्या अंतर होता है और एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या अंतर होता है। सीरीज के अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।